हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और इस समय हमें अपने काम पे यानी आए हुए फैक्ट्री में काम चल रहा, तो यहाँ रोज आना पड़ता है। तो आपने जो अब वीडियो के क्लिप देखे होंगे वो थोड़ी कल की थोड़ी आज की हैं। तो आज 3 दिसंबर है और मौसम इस समय सही है। इस समय धूप निकली हुई है, ज़्यादा मौसम ख़राब नहीं है, लेकिन हवा चल रही है। समय खाली है तो मैंने सोचा लाओ यहीं बैठ के काम कर लें। तो ये फैक्ट्री के बाहर बैठी हूँ मैं, यहाँ पे कुर्सी और वो डाल रखी है ना, तो यहाँ बैठ के मैंने फिलाओ ये मेथी वगैरह छालूँ, आसानी रहती है। यहाँ रोशनी भी काफ़ी है और आसमान तो आज ज़्यादा साफ नहीं है, बादल से हो रहे हैं ना, दिखाऊँ? ऐसा मौसम हो रहा है, ये सूर्य देवता इतने चमक रहे हैं, बस थोड़े से ही चमक रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं चमक रहे हैं। और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ और मेथी को कर रही हूँ साफ, फैक्ट्री में अंदर हो रहा है काम। हेलो मनु, कैसे हो? बेटा हुआ। लेटे हो? क्यों लेटे हो, क्या हो गया? आज बारिश का मौसम है ना, आज बारिश आएगी? नहीं आएगी। कैसे सो रहे हो तुम? अरे भैया इसे तो जम्भाइयाँ आ रही हैं। अच्छा, मौसम अच्छा नहीं है, आज भी लग रहा है बारिश होगी और धूप तो है ही नहीं, दूर दूर तक बादल हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ये देखो मौसम खराब है, कोहरा से छाया हुआ है चारों तरफ। बंदर बैठा है खिड़की पे, ए बंदर, ये छोटा सा बंदर है खिड़की में बैठा हुआ है। ओ मंकी, ओ मंकी, क्या खाओगे? अमरूद खाओगे बंदर? खाएगा? बहुत ही बुरा मौसम है, अच्छा नहीं लग रहा देख के, बिना धूप के अच्छा नहीं लगता। ये मन्नू ना जबरदस्ती मुझसे कैमरा लेके गया, कह रहा है कि मैं आप लोगों का ब्लॉग बनाऊंगा, तो मैं बनाऊंगा वीडियो, तो वो शूट कर रहा है जबरदस्ती। फिर मैंने कहा अच्छा चल तू भी कर ले भाई अपने मन की। और पूछो कुछ। और मैंने आपको दिखाया था ना शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी कैसे बनाई, तो जल्दी दिखाया था ना, तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं फिर से दिखाऊं, तो मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूं और दोबारा से बना रही हूं। सनी को बहुत अच्छी लगती, तो मैंने कहा लाओ बना दूँ। सौंफ और देखिए जीरा और धनिया साबुत और राई से मैंने इसको छौंक दिया है और प्याज के पीस डाल दिए हैं इसमें बड़े बड़े, पाव भर पनीर और पाव भर प्याज है इसमें, यानी 250-250 ग्राम है दोनों चीज़ें। तो मैं इन्हें हल्का सा, इसको हल्का सा तलूँगी। तो तलने के बाद देखिए जब ये तल के मेरी थोड़ी सी हो जाएगी, तो उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च डालूँगी और शिमला मिर्च डालने के बाद मैं उसमें नमक डालूँगी और उसके बाद इसे भूनूँगी, हल्के हल्के भूनूंगी। वैसे भी आपको पता है मैं स्लो गैस पे करती हूँ ज़्यादातर काम, तो तेज़ आंच पे नहीं बनाती हूँ मैं कोई भी चीज़। तो ये भून के बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी और इसमें हम शिमला मिर्च और वो जब थोड़ी देर बॉइल्ड कर लेंगे तो उसका भी कन मर जाएगा। तो और ये देखिए, ये मैंने ले ली है, हल्दी है, सब्जी मसाला है, सौंफ है, धनिया है, मिर्च है और लाल मिर्च है। तो ये सब चीज़ें मैं डालूंगी। लोग सब्जी मसाले की जगह ना मैगी मसाला भी डाल लेते हैं, तो डाल सकते हैं आप, वो आपका अपना ऑप्शनल है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो डालें। और उसके बाद देखिए मैंने इसमें डाल दी है शिमला मिर्च और नमक और मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगी स्लो गैस पे ही, तो ये हो जाएगी। और जब होने के बाद मैंने इसको खोला तो देखिए ये हो गई है और मैंने इसमें सारे मसाले सूखे ही मिला दिए। मैं इसको भून लूँगी खूब अच्छे तरह से स्लो गैस पे। भूनने के बाद जब ये मेरी तैयार हो जाएगी तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पनीर, 150-200 ग्राम के करीब है ये, 250 ग्राम था उसमें से मन्नू खा चुका है थोड़ा सा। तो ये डाल दिया है मैंने पनीर भी और ये हो गई है मेरी सब्ज़ी तैयार। और देखिए मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि आप लोग ना थोड़ा टहला कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, बहुत सही रहता है। जो नहीं करते हैं उन्हें बाद में पता चलता है, जब वो बिल्कुल बेड पे हो जाते हैं या उन्हें परेशानी होती है तब। तो मेरा कहना यही है कि देखिए अगर आप थोड़ा सा हेल्दी हैं या बीमार रहते तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, तो थोड़ा सा योगा ज़रूर करना चाहिए। और मैं ना घर में तो योगा कर लेती हूँ लेकिन मैं टहलने नहीं जाती हूँ ना, मेरे अंदर ये गंदी आदत है, लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया है। तो सवेरे वाला तो बहुत भागा दौड़ी का होता है इसलिए नहीं दिखा पाती, दिखा दूँगी किसी दिन वो भी। और मैं शाम को टहलने गई थी, वो मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, देखिएगा। तो हमारे घर के पास ही त्रिनाथ मंदिर है ना, वहाँ काफ़ी ग्राउंड और मैदान है, तो उसके आसपास ज़्यादातर सब टहलते ही हैं, तो मैं अभी वहीं टहलने चली गई थी, तो वो मैं दिखाऊँगी आपको। तो टहलने के बाद ना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि टहलिए थोड़ी देर और कम से कम दिन में 5 मिनट, एक एक दो दो मिनट भी बैठेंगे तो सही हो, उकड़ू होकर बैठिएगा ज़रूर।
उससे कहते हैं नसें सुचारू होती हैं, और आजकल बुढ़ापे में तो नसें ही ज़्यादा बंद होती हैं, तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी नसों को सुचारू करना है तो थोड़ा सा आप लोग भी टहलिए और उकड़ो होकर बैठिए। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। रात के 9 बज रहे हैं, पट बंद हो गए। मैं टहलने आई हूँ तो मैंने सोचा मैं यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं। ये भोलेनाथ बाबा, ऐसा लग रहा है ना प्रकाश निकल रहा है इन्हीं के अंदर से। ये मंदिर तो बंद हो गया है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यहाँ से थोड़ा सा व्यू लेते हैं। तो यह है बाबा भोलेनाथ का टिबीनाथ मंदिर। कैसे लग रहे हैं बाबा? रास्ता सुनसान है, लेकिन यहाँ डर नहीं है कोई। टहलना शुरू किया है मैंने अपनी बीमारी की वजह से, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं अभी थोड़ा टहल के अपना वेट कम करूं। बहुत ज़्यादा गेन हो गया इन दिनों, 75 है। देखिए 2 महीने बाद देखेंगे कितना होता। तो मैं टहल रही हूँ इस समय ना, पैदल पैदल जा रही हूँ। देखो, लेकिन यहाँ कोई ऐसी डर की बात नहीं है, सही है, पास में, घर के पास ही है। और अब हम यहाँ से ना घर जाएंगे थोड़ी देर में। अभी तो 4:30 का टाइम है, 5 बजे 5:30 बजे तक ये लोग चले जाएंगे, लेबर लोग ना, तो उसके बाद फिर हम लोग भी घर चले जाएंगे। और इस समय देखिए सूर्य देवता जो है डाउन हो रहे हैं, देखना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है डूबता हुआ सूरज देव। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, बताइए। और आप ये सब काम होते देख रहे हैं, इसका मैं हिसाब आपको बाद में बताऊँगी कैसे बना, क्या बना, कितना बना। अभी तो ये सब ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा राम राम, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।